नमस्कार, हिंदी हाईवे में मैं यूएसपी सर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की ऑडियो बुक में मैं आपको अमीर खुसरो की पहेलियों का अर्थ समझाने जा रहा हूं। पहेली वह होती है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर से जुड़े संकेत भी दिए जाते हैं, लेकिन उत्तर नहीं दिया जाता है। पहेली बूझने या समझने वाले को उसका उत्तर स्वयं ही ढूंढना पड़ता है। तो चलिए इन पहेलियों को समझते हैं। पहली पहेली है, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। नाव का अर्थ नाम। खुसरो कहते हैं कि वह कौन सी चीज़ है कि जिसे जब जलाया जाता है यानी बाला जाता है तो वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बढ़ जाने पर वह किसी के भी काम नहीं आता है। मैंने तो उसका नाम कह दिया है, अब इसका अर्थ लगाओ वरना गांव छोड़ दो। इस पहेली का उत्तर है दीपक। दरअसल दीपक को जब जलाया जाता है तो वह रोशनी फैलाता है, अंधेरे को दूर करता है, इसलिए वह सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बढ़ा देने या बुझा देने पर वह किसी के भी काम नहीं आता है। दूसरी पहेली है, फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए। खुसरो कहते हैं कि वह फारसी भाषा में आईना, तुर्की भाषा में ढूंढने से उसके लिए पाईना और हिंदी बोली में आरसी कहलाती है। जो इसे समझ पाए वह स्वयं इसका उत्तर बताए, लेकिन उत्तर बताने में कोई किसी की मदद ना करे। इस पहेली का उत्तर है आईना या दर्पण, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। कहने का भाव यह है कि दर्पण शब्द को फारसी में आईना, तुर्की में पाईना और हिंदी भाषा में आरसी कहते हैं। ये तीनों ही शब्द तीन भाषा के हैं, लेकिन उनका अर्थ उसका मतलब एक ही है और वह है दर्पण। तीसरी पहेली है, पौन चलत व दे बढ़ावे, जल पीवत व जीव गंवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। खुसरो कहते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जो पवन के चलने से यानी हवा के चलने से बढ़ जाती है, जल पीने से यानी जल के संपर्क में आने से ही अपने प्राण गंवा देती है, देखने में तो वह प्यारी और सुंदर है लेकिन नारी नहीं है, वह नारी नहीं है फिर भी वह नारी है। इस पहेली का उत्तर है आग। दरअसल आग ही वह चीज़ है जो हवा के चलने से बढ़ जाती है और जल के संपर्क में आने से बुझ जाती है, दिखने में तो वह बहुत सुंदर लगती है लेकिन नारी नहीं है, स्त्री नहीं है फिर भी वह स्त्री है, अर्थात आग शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है। अब चौथी पहेली को देखें, सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे, तू बूझ पहेली मोरी। अमीर खुसरो इस पहेली में कहते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जो सावन भादो में तो बहुत चलती है लेकिन माघ पूस के महीने में कम चलती है। वे कहते हैं कि तुम मेरी पहेली को समझो। इस पहेली का उत्तर है मोरी या नाली। लोक भाषा में या ग्रामीण भाषा में नाली को मोरी भी कहते हैं। दरअसल सावन भादों में वर्षा बहुत अधिक होती है जिससे नाली में पानी की धारा बहुत तेज रहती है। इसके ठीक विपरीत माघ पूस में वर्षा नहीं के बराबर होती है
इस नाले में पानी थोड़ा थोड़ा ही बहता है। अंतिम पहली है, गोल मटोल और छोटा छोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बूझे अकिल का खोटा। इस पहेली में अमीर खुसरो कहते हैं कि वह क्या है जो दिखने में गोल मटोल और छोटा सा है, वह हमेशा जमीन पर ही लोटा करता है, यानी लुढ़का रहता है। खुसरो कहते हैं कि मैं झूठी बात नहीं कहता, जो मेरी पहेली को ना समझ पाए वह अव्वल दर्जे का बेवकूफ ही होगा, अक्ल का खोटा होगा। इस पहेली का उत्तर है लोटा। दरअसल यहाँ लोटे के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि वह आकार में गोल मटोल और छोटा होता है और अक्सर जमीन पर ही लुढ़का रहता है। बस आज के ऑडियो बुक में इतना ही। अगले ऑडियो बुक में मैं अमीर खुसरो की 5 पहेलियों को लेकर फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।